सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। तो टॉपिक है बच्चों टू नो अवर नंबर्स, रोमन नंबर्स। अपनी संख्याओं को जानना, रोमन नंबर्स को, जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जानते हैं हम उसके बारे में। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, वी आर यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टिल नाउ। प्यारे बच्चों, हम अभी तक हिंदू अरेबिक संख्याओं के बारे में ही जानते हैं या उनका ही हम प्रयोग कर रहे हैं। हैव यू सीन रोमन न्यूमरल्स इन योर सराउंडिंग? क्या आपने अपने आसपास रोमन संख्याओं को देखा है? यस, आई हैव सीन रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक इन माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में क्लॉक में, घड़ी में रोमन संख्याओं को देखा है। देखिए बच्चे, इस टाइप की घड़ी, ठीक है। इन आवर स्कूल क्लासेस और ऑल्सो रिटन इन रोमन नंबर्स। और हमारे स्कूल की क्लासेस जो हैं वो भी रोमन संख्याओं में लिखी होती हैं, ठीक है। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याओं के कुछ उदाहरण। तो ये देख लेते हैं हम क्या है। फर्स्ट कैसे लिखते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देख लिया हमने। अब देखिए 5 को ऐसे लिखा जाता है, 50 को ऐसे। L बराबर 50 होता है, C बराबर 100, D बराबर 500, M बराबर 1000। ऐसे लिखते हैं इन्हें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याओं को लिखने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। यदि किसी सिंबल को रिपीट किया जाता है, जैसे बच्चे एक सिंबल ये हो गया 10 का, दूसरा ये सिंबल हो गया 10 का, अगर इसे रिपीट किया जाता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो कितना गया, 10 + 10 20 आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे ही बताया हुआ है। अब देखिए, वी कैन रिपीट एनी न्यू रोमन न्यूमरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब क्या होता है बच्चों, बस हम इसे 3 टाइम्स ही लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसका मतलब कितना हो गया, 30। अब देखिए, बट सिंबल्स 5, 50 एंड 500 कैन नॉट रिपीटेड। अब देखिए, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 50 L बराबर, और D का मतलब कितना होता है बच्चों, 500, ठीक है। आप देखिए इनको क्या है, इनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन्हें हम रिपीट नहीं कर सकते इन नंबर्स को, ठीक है। इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडिड इन इट। फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये 5 का सिंबल है, ये रहा, ठीक है। अब इसे हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इसके इधर लेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ये 5 हो गया तो ये ऐड होगा इसमें। जैसे ये 1 है तो ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब कितना, 6, सभी बच्चे जानते होंगे। इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन लेफ्ट साइड, लेकिन अगर हम इसके लेफ्ट साइड पर 1 रख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट वी, एल एंड डी कैन नेवर बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। लेकिन हमें इनका ध्यान रखना है, 5, 50, 500, इन तीनों का, ये ना तो ऐड होती है ना सब्ट्रैक्टेड होती है, मतलब ना इन्हें घटाया जा सकता है ना इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो हमने इम्पोर्टेंट रूल्स तो पढ़ लिए। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्याओं में, ठीक है, हमें इन नंबर्स को लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ बच्चों 12 है ना, तो 10 तो ये हो गया। अब हम इसके राइट साइड पर क्या लगा देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें ऐड हो गया, 10 + 2 ये 12 हो गया, 12 क्लास ऐसे लिखते हैं। अब आया 98, 98 कितना होता है, देखो 90 कैसे लिखते हैं। 90 लिखा जाता है ऐसे, C बराबर होता है 100, ठीक है। ये इसके इधर लिख रहा है, मतलब 10 - 10 हो गया, ठीक है, ये 100 माइनस 10 हो गया, सॉरी, तो ये कितना हो गया 90। और 8 कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो इसे हमने मिला दिया, ये कितना हो गया, ये हो गया 98। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब देख लो इसे अच्छी तरह से दिया हुआ एग्जाम्पल में। ठीक है, अब हमें ये करने हैं बच्चों, हम ये देख लेते हैं ये कैसे करने, हम समझते भी जाएंगे थोड़ा। देखिए यहाँ पर ये 84 है, तो हम पहले 5 लिखेंगे, ठीक है 5 लिख दिया, फिर हम 30 लिखेंगे, इसका मतलब 30 ऐड हो गए, और ये 4, ठीक है 5 और 30 80 हो गए, और ये 4 कितना हो गया 84। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या लिखेंगे सेकंड में 175, तो देखिए ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, 150 हो गए, अब 20 जोड़ दिया, कितने हो गए 170, और ये 5 कितना हो गया 175। अब ऐसे ही हम थर्ड लिखेंगे 105, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 5, ठीक है तो ये 105 हो गया। अब ऐसे ही फोर्थ देख लेंगे, अब देखिए 50 509, अब देखो D बराबर होता 500 और ये हो गया 9, इसके इधर लिख दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 509। तो ये आपके आंसर्स हैं, ये आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इधर वाले एग्जाम्पल को। राइट द रोमन न्यूमरल्स एज नंबर, रोमन संख्याओं को हमें अपनी संख्याओं में लिखना है, हिंदू अरेबिक में जैसा हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर ये एल बराबर कितना होता है 50 और ये 10 इसके इधर लिखा हुआ है ना, ये 10 तो हमें माइनस करना है, तो हम माइनस कर देंगे 10, हमारे पास कितना आ जाएगा 40। तो एक्सेल का मतलब कितना हो गया 40 हो गया रोमन संख्याओं में। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें देखिए इसमें एलेक्स का मतलब कितना है, देखिए 60 हो गया, क्योंकि इसके ये इधर लिखा हुआ राइट साइड पर, तो इसका मतलब कितना हो गया 50 में हमें 10 ऐड करने, तो ये हो गया 60 प्लस 9, यहाँ लिख दिए इसके, तो ये 60 प्लस कितने हो गए बच्चों 9, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 69। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आपकी। ठीक है, अब हमें सॉल्व करने ये, देखिए लेट्स डू ABCD हमें चारों करने। ठीक है, अब ये देखिए 50 ये हो गया, प्लस ये लिखे हुए हैं 30, ये हो गया 80। ऐसे ही देखो ये हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ था C बराबर 100 और माइनस कर देंगे इधर 10 जो लिखा हुआ है, ठीक है 100 माइनस 10, तो ये हो गया कितना 90। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, तो यही हो गया, और प्लस L कर देंगे 50, तो ये हो गया 140। अब ये 90 है, ठीक है, और इसमें 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 92। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।